Hey, how's it going everyone? My name is Mareep और आज हम लोग एक ऐसे वर्ल्ड में कदम रखने वाले हैं माइनक्राफ्ट में जहां और हम लोगों को ड्रॉप करके देंगे सुपर ओपी आइटम्स और ये आइटम हो सकते हैं सिंपल गोल्ड के इंगट से लेकर एक प्रोटेक्शन टेंट की बुक तक और ये मेरे लिए बहुत ही खतरनाक एज वेल एज बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस था। तो क्या तुम लोगों को इसी टाइप की वीडियो और पसंद आती है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तभी मेरी रीच और बढ़ेगी। एंजॉय द वीडियो। ऑलराइट गाइस, तो यही है हमारा मैजिकल वर्ल्ड जहाँ पर ये सब कुछ होने वाला है। गाइस आज हम लोग जितनी ज्यादा खुदाई करेंगे उतना ही ज्यादा हम लोग ओपी बनने वाले हैं। सो बेसिकली आज हम लोग जितनी ज्यादा मजदूरी करने वाले हैं उतना ही ज्यादा हमारा फायदा होने वाला है। एंड तुम्हें से बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि तू अब यहाँ पे टफ चैलेंजेस नहीं करता है, इसीलिए आज मेरे सिस्टर मिस्टर फलाना जी ने इस वर्ल्ड को लार्ज बायोम में सेट किया हुआ है। मतलब जिस डेजर्ट के अंदर अभी तुम लोग मुझे देख रहे हो ना, ये नॉर्मल डेजर्ट से 16 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। मतलब इस डेजर्ट से एस्केप करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तुम लोग इन पहाड़ियों को देखकर ही समझ सकते हो कितना खतरनाक डेजर्ट है। एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और मैंने तुम लोगों को अभी एक चीज नहीं बताई कि जितना रेयर हमारा ओर होगा गाइस उतनी ही ओपी वो हमको लूट देने वाला है। मींस एक कोल का ब्लॉक हम लोगों को नॉर्मल लूट देगा लेकिन एक एंशियंट डेब्रिस का ब्लॉक हम लोगों को बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड लूट देगा। एंड गाइस स्पॉइलर्स अलर्ट, मैं आज इस वीडियो के अंदर जाने वाला हूँ एंशियंट डेब्रिस को खोजने के लिए भी। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर तुम लोग इस चीज के लिए एक्साइटेड हो ना भाई तो इस वीडियो पे पूरे 1.5 लाख लाइक कंप्लीट करो यार। हर बार मैं तुम लोगों से 1,50,000 लाइक मांगता हूँ और तुम लोग अभी कंप्लीट नहीं करते भाई इस लाइक गेम को, और इससे गाइस मेरी चोट बहुत ज्यादा कम हो जाती है यार। तो लाइक जरूर मार दिया करो, मैं बहुत भीख मांगता हूँ लाइक की कसम से। और गाइस अगर हम लोगों को यहाँ पर अभी खुदाई करनी है ना, मजदूर बनना है ना भाई, तो अपने को तो पिकेक्स की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पिकेक्स को क्राफ्ट कैसे करूंगा, बिकॉज भाई दूर दूर तक तो मुझे यहाँ पर कोई भी पेड़ के नामो निशान नहीं दिख रहे हैं। तो क्राफ्टिंग टेबल कैसे बनाने वाला, आई हैव नो आइडिया। और मेरी हंगर बाहर जा रही है तो आई एम सॉरी, मुझे तुझे मारना पड़ेगा बेटा। रुक जा, डर मत, मैं तुझे खाऊंगा ताकि मैं इस चैलेंज को कम्प्लीट कर सकूं। और इसने मुझे अपना मीट ड्रॉप करके नहीं दिया, वाओ। एक और दिखा है, रुक जा, प्लीज, रुक जा मेरे छोटे भाई, डर मत, शाबाश। कुछ नहीं करूंगा बेटा, बस तेरे को मार के तेरा मीट खाऊंगा ताकि चैलेंज को कम्प्लीट कर सकूं। थैंक यू सो मच। अब थोड़ी जान में जान आएगी मेरे, और वहां पर मुझे गाइस दूर में एक डेजर्ट टेम्पल देखा है, बट मैं इसके अंदर जा नहीं सकता हूँ क्योंकि पिकैक्स नहीं मेरे पास, मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। बट चलो ये झाड़ तोड़कर मैं एटलीस्ट अपने लिए स्टिक्स का जुगाड़ तो कर ही सकता हूँ। आज अगर गाइस एंडर ड्रैगन को मारना है ना तो असली ग्राइंडिंग होने वाली है, बिकॉज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं इस डेजर्ट से बाहर कैसे निकलूंगा। ओ वहां पर देखो गाइस, मुझे एक विलेज दिखा वहां पे। पहली जंग हम लोगों ने जीत ली है गाइस। अरे भाई, अरे मेरे पास जान नहीं पड़ी शरीर में, एक और इसको मारना पड़ेगा। यस हम लोग विलेज पहुंच गए हैं गाइस, अब मजा ना बीडू। सबसे पहले तुम्हारा भाई सोएगा यहाँ पे। और अब गाइस हम लोग यहाँ पे अपनी मजदूरों वाली जिंदगी को शुरू करने वाले हैं। एंड गाइस आई हैव बीन सेव्ड, मैं बच गया, यहाँ पर बहुत सारा खाना है। और मैंने अभी भी ध्यान दिया मेरे यहाँ पे हे बेल्स तो बहुत सारी मिल चुकी है लेकिन मैं इसकी ब्रेड नहीं बना सकता हूँ बिकॉज मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल नहीं है। मैं कैसे सर्वाइव करूंगा भाई इस जगह पर, मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मुझे लकड़ी की जरूरत है। अब मुझे क्राफ्टिंग टेबल कहाँ से मिलेगी भाई, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मैं अपना बेसिक काम यहाँ पर अभी कंप्लीट करने वाला हूँ इससे पहले कि मेरी हंगर चली जाए, जो कि इसको मार के आयरन निकालना। आ जाओ सर, आ जाओ। देखो भाई मेरे पास यहाँ पे कोई भी पिकेक्स नहीं है, इसको गाइस मैं अभी यहाँ पे ना इस डंडी के साथ मारने वाला हूँ, देखते कितने जन्म लगते हैं। मेरी हंगर बार ऑलमोस्ट खत्म हो गई। अब मैं यहाँ पर गाइस अगर मरूंगा ना तो हंगर बार खत्म होने की वजह से मरने वाला हूँ मैं यहाँ पे। नो अब मुझे आयरन तो मिल चुका है लेकिन अब मैं इसकी पिकेक्स कैसे बनाऊँ यार। जैसे पिकेक्स बनेगी ना भाई ओपी ओपी आइटम्स की बारिश हो जाने वाली है। हाँ तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा अमीर बनने वाला है। अब तुम लोगों को तो पता है गाइस अमीर बनने के लिए भाई तुम लोगों को खून पसीना तो बहाना पड़ेगा। सो राइट नाउ मैं यहाँ पर खून पसीना बहा रहा हूँ। ओ माय गॉड गाइस सामने देखो वहां पर क्या दिख रहा है मुझे डिस्टेंस में। इसको थोड़ा ज्यादा करते हैं और अब देखते हैं एक पिलेजर का आउटपोस्ट। फ्री की लकड़ियों का जुगाड़ हो गया पर मेरे पास यहाँ पे जान नहीं बची, मैं वहां पर जाऊँ कैसे। वैसे तो गाइस मैं यहाँ पे सोसाइटी करके अपनी हंगर बार को 100% कम्प्लीट कर सकता हूँ बिकॉज मेरा रीसेट पॉइंट वहां पर सेट हुआ हुआ है। बट भैया वैसा मैं नहीं करने वाला हूँ, वो हमारी गेमर्स स्पिरिट के खिलाफ है। ओके जान मुझके अपन नहीं मरने वाले हैं। मैं वहां पर जाकर अभी लकड़ी चोरी करने वाला हूँ, देन उसकी क्राफ्टिंग टेबल बनाकर मैं यहाँ पर पिकेक्स बनाने वाला हूँ। रैबिट भैया आप में से एक को फिर से मरना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा फास्ट है, अभी मैं इसको नहीं पकड़ सकता हूँ। इस मछली को मारूंगा ना भाई थोड़ी सी जान आ जाएगी। यस ओ भाई एक हंगर बार मिला मेरे को, ठीक है इतना काफी है। गाइस मैं एक बहुत ही खतरनाक मिशन पे जा रहा हूँ, नीचे देखो गाइस खलनायक लोग, जैसे इन लोगों की नजर मेरे पे पड़ेगी ना भाई हमले स्टार्ट हो जाएंगे सीधे ही। गाइस कम ऑन, पूरे 1,50,000 लाइक इस वीडियो पे अभी और इसी वक्त, मैं इतना डेयरिंग काम करने जा रहा हूँ। देखो इन लोगों के बीच से जब मैं भाग भी नहीं सकता हूँ। शाबाश बूस्ट करो भाई मेरे को, बहुत अच्छा काम कर रहे आप लोग। हेलो ठीक है, हो गया, बस एंट्रेंस ढूंढनी है मेरे को बस एंट्रेंस ढूंढनी है। ले बेटे मैं बच गया शायद से। ऑल राइट ओके यहाँ पर प्लैंक्स है ना भाई, मैं यहाँ पर वुड ढूंढ रहा था एक्चुअली। ये गाइस हमारे चार प्लैंक्स। ओके वहां से नजर पड़ रही है भाई बंदे की,
नहीं भाई, दो सेकंड का इंतजार गाइस, बस 2 सेकंड का इंतजार। आ गया है, शाबाश बना दे बेटा और खाना खा शाबाश। मैं आपको हील कर स्मार्टी पाए, कम ऑन। ओ भाई हील कर चुका हूँ, जान में जान आई। मैं इसकी जगह पिकैक्स ही बनाने वाला हूँ। स्वॉर्ड बना सकता रहा लेकिन नहीं बनाएगा तुम्हारा भाई स्वॉर्ड। कितने कमाल की बात है ना गाइस, अभी तक लकड़ी के टूल्स भी नहीं आए, उससे पहले एक आयरन की पिकैक्स आ चुकी है। वाओ, अब ये बनाएंगे, लेट्स गो। यहाँ से ऊपर गाइस खाना होगा ना, यस खाना मिला और यहाँ पर लकड़ियां मिली, 4 ओक के लॉग्स। दिस इज जस्ट परफेक्ट। 3, 2, 1, लेट्स गो एंड रन फ्रॉम दिस प्लेस। भागो। भाई लकड़ी का जुगाड़ हो गया, ऐसे बढ़िया और क्या चाहिए। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे नहीं लड़ना तुम लोगों के साथ, बाढ़ में जाओ। भाई जितने टाइम से लेकर मैंने गाइस माइनक्राफ्ट खेला है ना, पहली बार सबसे ज्यादा डिफिकल्टी हुई है मेरे को एक सिंपल सी क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए। अब भाई यहाँ पर मुझे प्लेन्स बायोम तो मिलने से रही, तो मैं सोचो इसी विलेज के अंदर से गाइस नीचे के लिए यहाँ पर डिग डाउन स्टार्ट करते हैं। एक और एंड गोलम स्पॉन करते हैं, लेकिन इसको मारूंगा नहीं मैं। अब मुझे ओपी बनना है गाइस, तो अपनी खुदाई की स्किल्स के साथ। और ये खुदाई का पहला चरण शुरू होता हुआ गाइस, जितना नीचे जाएंगे उतने रेयर ओर्स मिलने वाले। पहला मिल गया, यस लेट्स सी ओके कि हम लोगों को ये क्या देता है। पहले तो भाई मैं दूर जाने वाला हूँ एंड दूर से खोदने वाला हूँ, लेट्स सी। ओ पहला मिला है मुझे यहाँ पे गोल्ड का इंगेट, दैट्स नाइस। दूसरा वाला क्या देगा? यस आयरन का एक जूता जिसमें फायर प्रोटेक्शन 3 लगा हुआ है। देखते हैं इस बाकी का कोल हमें क्या देता है, जितना कोल है सारा का सारा मैं यहाँ पर खोदने वाला है अभी। भाई डायमंड्स दे दिए इसने तो मेरे को, आर यू सीरियस ब्रो। अरे भाई मुझे यहाँ पर तो फायर के रॉकेट्स भी मिल चुके हैं, 17 आयरन के इंगेट्स, शार्पनेस 4 वाली, एक आयरन की स्वॉर्ड, आर यू सीरियस। अगर कोल इतना ज्यादा ओपी है तो तुम लोग सोचो गाइस कि आयरन कैसा होगा, डायमंड कैसा होगा, एंशिएंट डेब्रिस कैसा होगा। ओ भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड यार उस चीज के लिए। ओ भाई मुझे पर्ल्स भी मिल गई, मुझे लग रहा है आज ही मेरे को ना बैशन के अंदर जाकर वो फालतू की ट्रेडिंग नहीं करनी पड़ेगी, दैट्स सो गुड। ये फायर प्रोटेक्शन 3 वाले, इससे अच्छे तो ये वाले, मैं इसको पहनने वाला, फेदर फॉलिंग 4 वाले को, पोशन ऑफ रीजनरेशन 5 मिनट का, वो भी ये कितना मस्त है यार कसम से। और ये हमारा आखिरी कोल था, लेट्स सी हमारे पास ओवरऑल कोल से कितनी ज्यादा लूट आई है। ये देखो तुम लोग भाई कितना अमीर बन चुके ऑलरेडी हम लोग, इनविजिबिलिटी का पोशन भी मिला हुआ है। वाह भाई थोड़ा ज्यादा ही ओपी काम हो गया यहाँ पे यार। ओए ये हम लोग कहाँ आ गए हैं? अरे भाई सामने देखो, लैपिस लजूली, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था, ये भी एक रेयर ओर होता है। हम लोग एक माइन शाफ्ट के पास पहुंच चुके हैं। व्हाट? ओ भाई यहाँ पर गोल्ड भी मिला मेरे को, यस। देखो गाइस जो भी चीज हम लोग यहाँ पर खोदने वाले हैं ना, वो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर में खोदने वाले हैं। कोल के बाद आएगा यहाँ पे आयरन की बारी, ओके, उसके बाद आएगी गोल्ड की बारी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा आयरन का और हमें क्या देता है, लेट्स सी। ओ माय गॉड और डायमंड्स दिए, देखो 2 ऑलरेडी है और इसने मुझे पूरे 4 डायमंड्स दिए पहले आयरन के ओर ने। ओ भाई लेट्स सी दिस, ओके चेस्ट प्लेट, दिस इज आल्सो गुड, प्रोटेक्शन 3 वाली चेस्ट प्लेट, पहन के रखो भाई काम आएगी बहुत ज्यादा, यस। प्रीमियम फूड और साथ ही साथ एक एक्स मिली, ये वाली फालतू की पिकैक्स को मैं फेंक देने वाला है और इसको हाथ में पकड़ के रखते हैं, एफिशिएंसी 4 वाली। भाई गाइस अब ना मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, सीरियसली बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, लेट्स सी। और एक्सपी के बॉटल्स मिली, दैट इज नाइस। और यहाँ पर हमें प्रीमियम फूड मिला है और क्या मिलेगा, बहुत सारा आयरन मिला है भाई, नेदरराइट का स्क्रैप ही दे दिया। हेलो भाई इतना ज्यादा आयरन हो चुका कि मैं फेंकने वाला, यार नहीं चाहिए नेदरराइट का स्क्रैप, मेरे को चाहिए भाई नेदरराइट का स्क्रैप, को मैं मना नहीं करेगा। ये क्या देगा हम? ओह माय गॉड डायमंड का आर्मर, प्रोटेक्शन 3 वाला फिर से। मेरे को ऑलरेडी इतना ज्यादा खाना हो चुका कि मुझे ये नहीं चाहिए, अपन साइड से निकलने वाला है। थोड़ा बहुत और मैं यहाँ पे कुछ आयरन ढूंढना चाहता हूँ, ओके और आयरन मिल चुका है, लेट्स सी। और हमें आयन क्या क्या देता है, देखो और डायमंड्स दे दिए इसने, पिकैक्स, अभी अपने आप को रिपीट कर रहा है। ओए लावा की बकेट, नहीं चाहिए लावा की बकेट, अभी अपने आप को रिपीट कर रहा है, मींस अब अपने यहाँ पे दूसरे ओर की तरफ बढ़ना पड़ेगा, प्रीमियम फूड खाया जाए। पिछले 2 वीडियोस में गाइस हम लोग बने थे फार्मर और बिजनेसमैन, आज हम लोग बनने वाले ओपी मजदूर। ऑलराइट लेट्स सी गाइस कि हमारा गोल्ड का ब्लॉक हमें क्या देता है, लेट्स सी। I'm disappointed. सड़ा हुआ सा गोल्ड का इंगेट दिया, तो मुझको ना और ढूंढने पड़ेंगे यहाँ पे। और बेटे तुझे क्या लगता है तू मुझे मारेगा? मार आजा, मार 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 मार, ले ले 1 हार्ट खाया तूने मेरा, शर्म आ रही है थोड़ी भी हैं? कलंक आदमी निकल ऐसे। ओह माय गॉड इस माइन शाफ्ट के अंदर सारे के सारे टाइप के ओर्स हैं। भाई मैं तो माला माल हो गया अभी कसम से, मुझे ना गोल्ड ढूंढना है सबसे पहले, उससे पहले मैं ये बाकी के खोदने वाला ही नहीं। यहाँ देखो मुंह के सामने, शाबाश बेटा, और यहाँ पर बहुत सारा गोल्ड है, दैट्स नाइस। तू क्या देगा? नेदरराइट के स्क्रैप, 2 ऑलरेडी पड़े हुए थे, 4 हो चुके, मींस एक हमारा नेदरराइट का इंगेट बन जाएगा इससे, दैट्स नाइस। पिकैक्स, एक पोशन, लेट्स सी कौन सा पोशन है ये, पोशन ऑफ स्ट्रेंथ, ये खतरनाक है भाई, ये मैं रखने वाला अपने लिए। अगेन पोशन ऑफ स्ट्रेंथ दिया इसने, चड्डी मेरे को चाहिए भाई, चड्डी नहीं है मेरे पास अभी तक, चड्डी अपन उठाने वाला है यहाँ से, यस। और कुछ और एमरल्ड्स मिले हैं, इसको भी उठाने वाला है अपन, ठीक है भाई
गोल्ड हमारा अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं था बट अच्छा था ये थोड़ा बहुत। और यहाँ पर पड़ा हुआ, अबे तू निकल जाए यहाँ से भाई, कुछ काम कर रहा हूँ ना मैं, भग जाए ऐसे। लेट्स सी कि हमारा यहाँ पर और गोल्ड हमें क्या देता। सारा का सारा मैं एक साथ ही खोदने वाला हूँ। इसने मुझे डायमंड की चेस्ट प्लेट दी है, मुझे डायमंड की चेस्ट प्लेट चाहिए ब्रो। फायर प्रोटेक्शन 4 एंड अनब्रेकिंग 3 वाली, दैट्स नाइस, लेट्स गो। ओके गाइस, जितना ओपी मुझे बनना था ना मैं बन चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर ना रेयर आइटम्स की खोज में जाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर ओए भाग जाए ऐसे यार, बैट मेरे पीछे पड़ गया। चमगादड़, मुझे चमगादड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ में आ रही है। अकेला घूम रहा है गुफा के अंदर, बीमार कर दोगे मेरे को यार। भाग जाए ऐसे, भाग जाए ऐसे, पूरी दुनिया में तुम लोगों ने आतंक मचाया हुआ है, उधर ही चुपचाप से लटके रहना समझे, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। तो ये हमारा रेयर होता है, फिर रेडस्टोन वाला रेयर होता है, आई गेस ये ज्यादा रेयर होता है। तो इससे पहले मेरे को रेडस्टोन खोदना है। अब वो रेडस्टोन का ओर मैंने कहाँ देखा था भाई, मेरे को आइडिया नहीं है, खोजना पड़ेगा गाइस मुझे वो फिर से। चमगादड़ भाग जाए ऐसे भाई, कहाँ है रेडस्टोन, मैं कैसे भूल सकता गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने अभी अभी जस्ट उस रेडस्टोन को देखा था कहीं ना कहीं। ओ नो, हमारा रेडस्टोन का ओर गाइस खो चुका है। नहीं, वहाँ देखो नीचे, यस, लेट्स सी कि ओवरऑल कितना है। सबसे पहले ओवरऑल 5 है यहाँ पर, ये नाइस। तो देखते हैं भाई ये क्या देता है। पहला वाला देगा एन्चेंटमेंट की बॉटल्स, नाइस, वॉच योर बकेट, दैट्स गुड। अब ये 3 और बचे हुए हैं, खाना दे रहा है नहीं, आयरन के पूरे ब्लॉक्स दे रहा है नहीं, और इसे मुझे फायर के रॉकेट्स दिए। देखो इस फायर रॉकेट्स मिलने का मतलब है इलाइट्रा कोई ना कोई जरूर देगा। अब कौन देगा मुझे नहीं पता है, बट कोई ना कोई जरूर देने वाला है। और वहां देखो अभी और है, नाइस नाइस। ओ भाई ट्राइडेंट, अभी ट्राइडेंट दे दिया मेरे को। नो अरे जा यहाँ से रे काइको भाई, काइको। केप स्पाइडर का वहां पर स्पॉनर लगा हुआ, इसको तोड़ देते हैं। भाई मैं यहाँ पर मजदूरी कर रहा हूँ यार, तुम लोग मतलब फायदा उठा रहे हो मजबूरी का यार। मुझे मारने के लिए थोड़ी शर्म नहीं आती है, मजदूर आदमी का हाथ उठाते हो तुम लोग यार, इसको तोड़ो, मेरे को चाहिए ही नहीं है ये। और वहां देखो तुम लोग भाई, रेड स्टोन का ओर इसके नीचे दबा हुआ था। लेट्स सी, इसने मुझे फिर से यहाँ पे स्ट्रेंथ का पोशन दिया, मुझे नहीं चाहिए भाई स्ट्रेंथ का पोशन। आप क्या दोगे सर, स्पंज दे रहे हो, नहीं चाहिए स्पंज एंड गोल्डन कैरेट्स। ये ऑलरेडी सारा का सारा माल पड़ा हुआ है मेरे पास, मैंने और देखा था, यस गोल्डन एप्पल्स। अरे भाई भाई भाई, गोल्डन एप्पल मैं जरूर चखने वाला हूँ। TNT दिया इसने मेरे को भाई, TNT तो बहुत ही अच्छी है, नेदर के अंदर एंशिएंट डेब्रिस खोजने के बहुत ज्यादा काम आएंगे। यस, पोटैटोज फेंको, पोटैटोज नहीं चाहिए, TNT चाहिए। गाइस आज ये खुदाई करके बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। देखो और एंड पर्ल्स मिल चुकी है अपने को, 4 हो चुके ओवरऑल। सोचो भाई अगर यहाँ पे रियल लाइफ में वैसा कुछ होता तो कितना अच्छा होता ना, मैं तो सब टेंशन है छोड़ के खुदाई का काम स्टार्ट कर लेता। बट सैड, ये रियल लाइफ में नहीं हो सकता है, मुझे थोड़ा सा और रेड स्टोन ढूंढना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए, बिकॉज रेड स्टोन बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें दे रहा है। और रेड स्टोन मिला, यस, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं एक माइनशाफ्ट के अंदर यहाँ पर बहुत सारा रेड स्टोन होता है पड़ा हुआ, नाइस। लेट्स सी कि गाइस हम लोग कितने ज्यादा ओपी बने अभी तक, ये लावा हमारे को कितना डैमेज देता है। ओ भाई ये क्या मजाक है, आधा दिल जा रहा है मेरा सिर्फ और सिर्फ। हम लोग बहुत ज्यादा ओपी बन चुके, अभी तक हम लोग नेदर के अंदर भी नहीं पहुंचे हैं। जब ये चुन्नू मुन्नू से और हम लोगों को इतना ओपी बना सकते हैं, तो सोचो गाइस कि एंशिएंट डेब्रिस हमको कितना ज्यादा पावरफुल बना सकता है। ऑलराइट लेट्स सी, और ज्यादा एंडर पर्ल्स, नाइस। खोदो भाई, मेरे को बहुत सारा TNT चाहिए, मेरे को बहुत सारा TNT चाहिए सच्ची में। 24 TNTs आ चुके हैं, अच्छा है भाई, अच्छा है, मजा आएगा। प्रोटेक्शन 10, थॉर्न्स 10, अनब्रेकिंग 10, इससे ये भाई 1000 गुना ज्यादा अच्छा है। यस, और साथ ही साथ ऑब्सीडियंस भी आ चुके हैं, लावा पूल ढूंढने की जरूरत भी नहीं है गाइस। और ये था हमारा रेड स्टोन, और मुझे वापस जाना भाई उसी के पास, वो हमारा लैपिस लजूरी था ना, उसको खोजने के लिए वापस जाना है मेरे को। मुझे तो और दिखा भाई रेड स्टोन, मैं तो और खोदने वाला है इसको, कोई टेंशन नहीं है। What the heck is this? सीधा ही यहाँ पर आई ऑफ एंडर दे दी इसने तो मेरे को, इस चीज के बारे में मुझे पता नहीं था, इस चीज के लिए तो मैं भी यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ। एंड यस ए देखो यहाँ पे शार्पनेस 10, फॉर्च्यून 10, एफिशिएंसी 10 वाली एक डायमंड की एक्स। अरे भाई भाई भाई, इतना ज्यादा ओवर पावर्ड नहीं बनना था यार, तू तो भाई मेरे को यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस में लेकर आ जाओगे यार ऐसे करके तो। नहीं, तू नहीं, गजब बेइज्जती है। मैं जितना ज्यादा ओपी बन जाऊं गाइस, चमगादड़ के गेड़े में नहीं आना भाई। तुम लोग देख रहे हो भाई, मास्क तक पहना हुआ है मैंने अपने स्किन के अंदर, तभी मेरे को बहुत डर है भाई इनसे। ऑलराइट, तो नेदर के अंदर जाने से पहले गाइस आखिरी बचा हमारा लैपिस लजुली, इसको भी खोद ही देते हैं ना, ये हमें क्या देगा, लेट्स सी। ओ भाई पहला ही यहाँ पे एमरल्ड का ब्लॉक, सच्ची बता रहा हूँ एमरल्ड का ब्लॉक किसी काम का नहीं है, बट तब भी भाई लालच यार लालच। ओ भाई
डायमंड का ब्लॉक था और मैंने बहुत सारा लैपिस लाजुली देखा था मैंने आसपास यार, मेरे को उसको भी खोदने का है। देखते हैं कि वो हमें क्या देता है। हेलो लैपिस लाजुली, वो दिखा भाई लैपिस लाजुली, शाबाश, याद होगे, इसने मुझे फायर रॉकेट्स दिए, दैट्स नाइस। अरे नहीं मार पाओगे रे, नहीं मार पाओगे, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। तुम लोगों ने इतना स्ट्रांग मजदूर देखा है क्या कहीं? ले तू भी फट जा, पिछवाड़ा भी खाऊंगा तेरे साइड। ले खुश, आ जा आ जा, तू मारने की कोशिश कर ले, मार मार मेरे को, आ जा मार, दोनों आ जाओ मारो मेरे को। ये देखो भाई यहाँ पे मैं इनको टच भी नहीं करेगा एंड दोनों के दोनों खुद मरेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओ यस, और आई ऑफेंडर मिली मेरे को भाई, 8 आ चुके। आई थिंक गाइस मुझे तो यहाँ पे अभी ब्लेज रॉड के लिए जाने की जरूरत भी नहीं है, मैं इसको ढूंढ रहा था एक्चुअली। ओ भाई साहब एक खतरनाक वाली बो मिली है मेरे को, पावर 4 इन्फिनिटी लगा हुआ है इस पे, बहुत ही नेक्स्ट लेवल बो है ये वाली। मुझे गाइस अभी ना सिर्फ एक और चीज की जरूरत है, टोटम ऑफ अनटाइम भी मिल चुका है भाई। मैं ऐसे भी नहीं मरने वाला यार, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, मुझे मारना ऐसे भी इम्पॉसिबल है भाई किसी के लिए भी अभी। मतलब इतनी अमीरी फील हो रही है कि भाई हजम नहीं हो रही मुझसे सच्ची में। अरे बदसूरत फंसा हुआ है देखो, चल मैं तेरे को तेरे दुखों से आजाद कर देता हूँ, ठीक है भाई। मुझे गाइस अभी यहाँ पे ना बहुत सारे इसकी जरूरत है, TNT के, और TNT मिल चुका है, TNT सही 32 हो चुके हैं, नाइस भाई जी, बहुत सारा TNT दे दो यार प्लीज, बहुत सारा TNT, नो TNT, दे 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 दे, शाबाश। ओ भाई गाइस हो गया 16 आ चुके मेरे पे आई ऑफेंडर, जाने की जरूरत ही नहीं है नेदर के अंदर, फोर्ट्रेस के अंदर हमें ब्लेज से लड़ने के लिए, कितनी कूल बात है ये, है ना। एंड सोल एंडर पर अलग से पड़ी हुई है। ओ भाई यहाँ पर बहुत सारा स्टोन है, अब मेरे को गाइस यहाँ पर बहुत सारा मिल सकता है। आ यार ये समझती नहीं है यार, भाई तुम लोग मुझे नहीं मार सकते हो, तुम्हारा पिताजी इस वक्त में समझे। और रेड स्टोन दिखा, शाबा बेटा, लेट्स सी कितने TNTs आए हैं ओवरऑल, 53 TNTs भाई, इतने तो बहुत है, इतने की तो जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, लेट्स गो। और इधर ही मैं बनाने वाला है मेरा पोर्टल, थोड़ा बड़ा पोर्टल बनाएंगे गाइस, अमीर बन चुके हैं भाई, मजाक थोड़ी चल रहा है। अब भाई इस वर्ल्ड के अंदर सब कुछ कमा दिया गाइस, सब कुछ, पैसा इज्जत सब कुछ, सिर्फ एक चीज ने कमाई जो कि भैया लावा। अब लावा यहाँ से उठाना पड़ेगा मेरे को, और खुद यहाँ से हम लोग मारेंगे छलांग, ये है। इसको मैंने डालना है इधर, और इधर ना अपने को ये लकड़ी लगाने की थी ओके, ताकि ये पोर्टल यहाँ पे लाइट अप हो जाए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये लाइट अप हो जाएगा, तब तक मैं जरा इसको देखता हूँ, ठीक है भाई। आजा मार मेरे को, मैं इसको टच भी नहीं करना चाहता गाइस, और लेट्स सी कि कितने देर में खुद मरता हमें मारते मारते। शाबा बेटा मार मार मार, पूरी कोशिश कर। ये इतने ओवर पावर होने की गाइस फीलिंग ना भाई मैं तुम्हें बता नहीं सकता यार, बहुत ही अच्छी फीलिंग है यार ये। ओ जल गया, यस, यू नो व्हाट, आई हैव अ प्लान गाइस, यहाँ से बहुत सारे प्लैंक्स ना निकाल के रखते हैं, हु नो उसकी कब जरूरत पड़ जाए। लेट्स गो एवरीबॉडी, लेट्स गो। अब देखो जितना मुझे पता है नेदर के अंदर भी 3 से 4 टाइप के हम लोगों को ओर्स मिल सकते हैं। देखो एक तो ऊपर दिख रहा है वहाँ पे, है ना, उसको भी खोदने वाला हूँ मैं अभी। और कितनी सड़ी बायोम के अंदर है यार, किस्मत कितनी ज्यादा खराब हो सकती है भाई किसी आदमी की। चलो तो यहाँ से अक्रॉस चलते एक बार, और बस नीचे नहीं गिरना है। यस, आप मुझे मारोगे सर, आप मुझे नहीं मार पाओगे, है ना, आपकी आंखों के सामने मैं इसको खोदने वाला, लेट्स सी हमें क्या देता है। ओके, आयरन के टूल्स दे रहे हो सर, बेइज्जती करा रहे हो आप स्मार्टीफाई की। ऊ भाई 21 आई ऑफेंडर्स आ चुके हैं यार, मतलब बहुत ज्यादा मजा आ रहा है गाइस आज तो यार। चलो इसको और खोदते हैं, लेट्स सी कि क्या क्या चीजें मिलती है। देखो सारे के सारे आयरन के टूल्स दे रहे हैं ना, नहीं चाहिए साहब। ओके डायमंड दिए, डायमंड में उठाने वाला, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके ये भी तुम्हारा ओर होता है ना भाई एक टाइप का, ये हमें क्या देगा। और देखो ये ज्यादा ना रेयर नहीं होते गाइस, ये हमको बहुत ही आसानी के साथ मिल सकते हैं, इसीलिए मेरे को बहुत ही फालतू के आइटम्स मिल रहे हैं यहाँ पे। दिस मींस हमें ये फालतू के ओर के ब्लॉक्स नहीं खोदने हैं, डायरेक्ट गाइस डायरेक्ट जाना है अपने को नीचे एंशियंट डेब्रिज खोजने के लिए। पर भैया एंशियंट डेब्रिज खोजने जाने से पहले एक आखिरी चीज है जो मेरे को चाहिए मेरी इन्वेंटरी पे, मैंने अभी अभी उसका रियलाइज किया, जो कि मेरे को वहां पे दिख रहा है नीचे ग्रेवल। भैया फ्लिंट एंड स्टील की जरूरत है ना, वरना मैं TNT को लाइट अप कैसे करेगा। वैसे तो यहाँ पे फेदर फॉलिंग 4 लगा है, लेकिन यहाँ से नीचे गिर के मर भी सकता हूँ, इतना रिस्क नहीं ले सकते है। आई गेस मैं यहाँ से आगे के लिए छलांग मार सकता हूँ। भाई 1 heart गया सिर्फ और सिर्फ, भाई मैं बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड हूँ इस वक्त यार। मैं सोच रहा है गाइस कि एक डायमंड की शवल बना देते हैं, लेट्स गो हियर, बस एक फ्लिंट निकालते हैं और फिर गाइस हम लोग जाने वाले हैं नेदरराइट की खोज में। अरे काहे को तंग कर रही है आंटी, काहे को तंग कर रही है। अरे प्यार से अपना काम कर रहा हूँ यार, और ये गंध पा रही है भाई, सच्ची में कोई गुस्सा दिला रही है यार। अब देखो भाई मैं ऑलरेडी यहाँ पर लावा लेक के लेवल पे आ चुका हूँ, और इधर से खोदना स्टार्ट करते हैं, इधर से ही नीचू के लिए सीधा ही। इनफैक्ट मेरे पास एक प्लान है गाइस, देखो ये चार यहाँ पे
ये चार यहाँ पे एक इंगेट को बना ही देते हैं और एक इसको बना देते हैं स्मिटिंग टेबल को। और क्यों ना गाइस इसको यहाँ पर हम लोग अपग्रेड कर लेते हैं नेदरराइट में यार, है ना। और अब चलते हैं नीचे के लिए एंशिएंट डेब्रिस खोजने के लिए। तो सबसे पहले तो गाइस मैं यहाँ पर एक पतली सी पट्टी खोदने वाला हूँ, सबसे पहले जितनी लंबी मैं खोद सकता हूँ उतनी लंबी मैं इसको खोदने वाला हूँ। और इधर ही गाइस हम लोग यहाँ पे अपने TNT को लाइन अप करना स्टार्ट कर देंगे और लेट्स डू दिस, देखते हैं भाई क्या होता है। फटाफट शाबाश 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 शाबाश, डिस्ट्रक्शन, आई वांट मोर डिस्ट्रक्शन, आई वांट मोर डिस्ट्रक्शन। और देखो गाइस दो तो दिख भी चुके ऑलरेडी। इतना ज्यादा मजा आता है भाई जब आप बहुत ज्यादा ओपी होते हो यार। अरे भैया ओवरऑल 3 है यहाँ पर, नाइस। अभी नहीं खोदूंगा, बाद में खोदूंगा। ओके तो यहाँ से ऊपर गाइस हमारी एक बहुत बड़ी लावा की लेक है। अभी हम लोग अपना ना डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं और इस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। और यहाँ पर भी गाइस हम लोग TNTs लगाने वाले हैं ऐसा 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 करके। लेट्स डू दिस, देखते हैं इस बार हमें कितने मिलते हैं। भाई 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 नाइस। लेट्स सी कि यहाँ पर कितने हैं। देखो एक तो मुंह के सामने दिख गया और यहाँ पर है कि नहीं है इसके अलावा। ओ माय गॉड वहाँ पर भी है ऊपर, नाइस। अभी तुम्हारे सारे TNT फूटे भी नहीं है, वहाँ पर भी है ऊपर, दो भी हो सकते हैं, नाइस यार। सबसे पहले मैं ऊपर जाऊंगा गाइस और जो हमारा ये एक बचा हुआ है इसको फोड़ने वाला हूँ मैं। अरे सर आप भी फटो ना, आप कैसे बच गए हो। Yes, नेदरराइट का स्क्रैप देखो भैया। तो ओवरऑल देखते हैं यहाँ पर कितने, देखो एक है यहाँ पे, यो कितने सा है मुझे देखना है। ओके दो है ये, दो है ये वाला देखते हैं कितने निकलते हैं यहाँ पे। ये हमारे दो है गाइस, 6 यहाँ पर है, 3 वहाँ पर है, 9 मिल चुके गाइस 2 बार एक्सप्लोजन से सिर्फ और सिर्फ। भाई इसीलिए मैंने तुम लोगों को बोला था बहुत ही ओपी चीज है ये, ठीक है गाइस। अभी और इसी वक्त हम लोग यहाँ पे एंशिएंट डेब्रिस खोजने वाले हैं। लेट्स सी कि भाई एंशिएंट डेब्रिस क्या देता है। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि इसकी एक भी चीज नीचे गिरे, इसको हम लोग यहाँ पर पूरा बढ़िया से एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। एंड लेट्स सी सर आप हमें क्या देते हो। नेदरराइट की पैंट्स, इसने दिया मेरे को एक और बो। आई थिंक ये ज्यादा तगड़े वाली बो हो सकती है बिकॉज़ एंशिएंट डेब्रिस की लूट है भाई। और देखते हैं तीसरा वाला हमें क्या देता है। इसने मुझे दिया पिकैक्स, सबसे पहले तो पिकैक्स को उठाने वाला हूँ मैं। फायर प्रोटेक्शन 3 ना, प्रोटेक्शन 10 एंड थॉर्न्स 10। भाई सब, भाई जी आपके ऊपर क्या लगा हुआ है। ओ माय गॉड ये ज्यादा खतरनाक है, इससे आप जाइए, आपको रिप्लेस करने के लिए मुझे मिल चुकी है एक और पिकैक्स। और ये नेदरराइट की पिकैक्स भी गॉड पिकैक्स है भाई साहब। अभी तो भाई सिर्फ 3 एंशिएंट डेब्रिस खोजे हैं मैंने, अभी तो 6 और पड़े हुए भाई यहाँ पे। तो पहला हो गया ये वाला, लेट्स सी हमें क्या देता है। ओ भाई दो दो पिकैक्स दिए इसने मेरे को। पहली पिकैक्स हमें देगी इतनी खतरनाक एंचेंटमेंट्स, दूसरी वाली भी एग्जैक्ट सेम देगी। तो भाई दोनों में से कोई भी उठाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। इतनी अमीरियत भाई मुझसे सहन नहीं हो रही यार, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है अभी। ओके अब देखते हैं ये दो हमें क्या देते हैं। नेदरराइट का पूरा कमरा ब्लॉक ही दे दिया इसने तो। हेलो नेक्स्ट लेवल ओवर पावर्ड थिंग गाइस। अच्छा भाई अच्छा है, मजा आ रहा है। अब देखते हैं आप दोनों हमें क्या देते हो। बहुत सारी पर्ल्स। एंड आपने हमें क्या दिया, ये कम से कम 10 ही लाइट रास। मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा यार अभी। अनब्रेकिंग 10 लगा हुआ है इस पे, मतलब मैं इसके साथ उड़ूंगा ना भाई तो मैं थक जाऊंगा, लेकिन ये खत्म नहीं होने वाला है। मुझे नहीं लगता गाइस कि मुझे यहाँ पर ये स्ट्रेंथ पोशंस की जरूरत है, क्योंकि मुझे मारना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यार। अभी हमारा गाइस आखिरी एंशिएंट डेब्रिस शेयर है, ये क्या देता है। लेट्स सी, एक शवल। शवल उठाएंगे भाई, बिल्कुल उठाएंगे। ओ माय गॉड ये बहुत ही खतरनाक है यार। भाई मेरे को तो मन भी नहीं कर रहा है बाकी के TNTs को फोड़ने का, कसम से हो गया यार, बहुत ओवरपावर्ड हो चुका हूं मैं। ऑलराइट गाइस एक आखिरी वेन जिसमें सारे के सारे TNTs एक ही लाइन में फोड़ने वाला हूं सारे। ओके तो भाई स्टार्ट हो चुकी है हर जगह पे और लावा ही लावा ऊपर से नीचे गिर चुका है। सबसे पहले तो मुझे भाई एक बात बताओ, क्या जादूगरी चल रही है यहाँ पर। हवा में ये लावा यहाँ पर रुका हुआ है यार, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ओ भाई साहब इसने भी मुझे बहुत सारी लाइटर्स दी, नहीं चाहिए। और इसे कुछ भी नहीं दिया भाई, मुझे इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसे धोखेबाज टाइप के ब्लॉक्स भी हमें मिल सकते हैं। खोदो। ओ यस नेदरराइट के हेलमेट दिए इसने मेरे को और इसने मुझे, मेरे पास TNTs ना एक्चुअली खत्म हो गए थे। ये मुझे उकसा रही है गाइस, ये गेम मुझे उकसा रही है। पहले तो मैं अपना हेलमेट को एक्सचेंज करने वाला हूँ। मुझे तो भाई रोना आ रहा है यार एंडर ड्रैगन के लिए, बेचारी एंडर ड्रैगन ही। वो सोची होगी आएगा आज भी एक बंदा मुझसे लड़ने के लिए और मैं उसको मारूंगी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं उसके पिताजी से भी ज्यादा स्ट्रांग बन के आने वाला हूँ। मेरे को बस जूते चाहिए अपने लिए नेदरराइट के, देन मेरा काम हो जाएगा। भगवान से दुआ करता हूँ कि इस बार मुझे जूते मिल जाए नेदरराइट के। और ये मैं एक और चीज करना चाहता हूँ गाइस, इतने सारे XP लेवल की बॉटल्स पड़ी है, फाड़ा इनको, XP बढ़ाओ अपनी, क्या टेंशन की बात है। एंडर ड्रैगन को भी पता चले कि भाई कौन बंदा आ रहा है पंगे लेने के लिए। A few moments later. हाँ जी सर क्या दोगे। नहीं आप क्या दोगे। नहीं आप क्या दोगे। जूते दे दिए इसने। ओ भाई यस। चलो यार फाइनली हमारा इंतजार यहाँ पर खत्म हुआ। जूता मेरे हाथ में आ जाए बस एक बार, अपुन यहाँ से कट रहा है भाई। यस यस फैदर फॉलिंग 10 भी लगा हुआ इस पे।
अरे कोई मुझे मार ही नहीं सकता है। डेप्थ स्ट्राइडर भी लगा हुआ है, मतलब हम लोग यहाँ पे तैरिया मारने में भी एक्सपर्ट है। डॉल्फिन डुल्फिन भी हमारे सामने बच्ची है। चलो यहाँ से बाहर, अब ज्यादा नेदर के अंदर घूमना नहीं है। अब हम लोग एंडर ड्रैगन को मारने जाने वाला है गाइस। मेरे को तो भाई अपनी एंडर ड्रैगन के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है यार, मतलब कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे उस बेचारी को, है ना। बाहर निकालो भाई, 47 आई ऑफ एंडर है, एक साथ 10 बार फेंकने वाला, कोई टेंशन की बात नहीं है। इस डायरेक्शन में चलो और फेंकेंगे, स्टिल इसी डायरेक्शन में। तो भाई इस दुनिया में हम लोग कितने ज्यादा गरीब पैदा हुए थे, और अब देखो यहाँ पे तुम लोग, हम लोग कितने ज्यादा अमीर बन चुके हैं। एंड लेजिट भाई यही तो है हमारा गॉड लेवल माइनक्राफ्ट का। लेट्स सी, पीछे जा रहा है, कहाँ जा रहा है? Yes, पीछे के लिए जा रहा है, डायरेक्शन चेंज, लेट्स गो, जितना जल्द से जल्द जा सकते हैं। अब यहाँ से आगे का मैं स्पीड रनिंग करने वाला, असली वाली, इसको बोलते हैं ना असली वाली स्पीड रनिंग। ओ दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया, यस यस, आ जाओ भाई। सिल्वर फिश आया तू मारने के लिए, तू भी अपनी किस्मत को आजमा दे, कोई टेंशन की बात नहीं है। 1, 2 and 3 हो गया, लेट्स गो। आई डोंट थिंक सो कि मुझे यहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट सेट करने की जरूरत है। चलो भाई, चलो 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 चलो, अब जितना जल्द से जल्द हम लोग यहाँ पे एंडर ड्रैगन को मार सकते हैं, मारने की कोशिश करने वाले, लेट्स गो। और ध्यान देना पड़ेगा, मेरे पास वाटर बकेट नहीं है अभी, बस मैं यहाँ पे ना कोई रिस्की गेम प्ले नहीं कर सकता हूँ। एक एक करके इनको फोड़ेंगे, ये है, ये है। आज आप बास में और आपकी बास के बीच खड़ा रहूंगा जी, कोई टेंशन नहीं है मेरे को। आज मैं बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड हूँ, आज मैं इस एंडर ड्रैगन को भाई खुद नहीं मारने वाला हूँ, थॉर्न्स मारेगा इसको, थॉर्न्स। Let's go! भाई मैं एक भी मिस नहीं करता हूँ, तुम्हारा भाई यहाँ पर गॉड है, देखो बोला था ना। आई एम सॉरी गाइस, मुझे तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, अब तुम लोग मुझे मारने आओगे और खुद मरोगे यार, दैट इज माय मिस्टेक। मुझे नहीं देखना चाहिए था तुम लोगों को यार, तुम लोग अपनी किस्मत आजमा दो, मैं यहाँ पे तालियां बजा दूँ तुम लोगों के लिए। अरे 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 सर, मैं कैसे भूल गया, हमारे पास तो इलाइट्रा है यहाँ पे, मैं सच्ची बता रहा हूँ इलाइट्रा के बारे में भूल ही गया था अभी। लेट्स गो, ये है, इलाइट्रा के साथ फाड़ेंगे ना इसको भाई, मजा आएगा। Yes, sir. Okay, अब एंटर ड्रैगन यहाँ पर अकेली बच चुकी है। एक दो पहले तो मैं इसको ये वाले शॉट मारने वाला पावर 10 की बो के साथ। ओ भाई, कितनी ज्यादा हेल्थ जाती है इसकी। आई थिंक गाइस कि मुझे इस बो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए यार अपने एंटर ड्रैगन के ऊपर, है ना। लेट्स गो डाउन, आ जाओ आंटी जी, नीचे आ जाओ प्लीज, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आओ, शाबाश 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 शाबाश, हाँ शाबाश, आप नीचे आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पर हमला करो प्लीज, मेरे पर हमला करो मैम। ये रखो भाई, मेरे पे बंदी हमला कर रही है और इसको खुद यहाँ पे डैमेज बढ़ रहा है। देखो मैं अपनी गोल्डन कैरेट खाने वाला है और तू मेरे को मारती रहती, खुद मरेगी। देखो गाइस, दिस इज द प्रूफ, मैं इसको नहीं मार रहा हूँ। गोल्डन कैरेट खाते हैं, मार मार मार, शाबाश मार, यस गाइस, ओपी एंड ड्रैगन इन द चैट। भाई मैंने इसको टच भी नहीं किया और आधी ज्यादा हेल्थ इसने अपनी खुद खा ली है। और ये आ रही है आखिरी बार एंडर ड्रैगन नीचे गाइस, ये स्मार्टी पाई की सबसे ऐतिहासिक जीत होने वाली है। तुम लोग देखो बिना छुए एंडर ड्रैगन की मौत, देखो तुम लोग, वाओ कितने ओपी बन चुके हैं हम लोग। भाई ये वाली फाइट बहुत ही इनसेन थी, मेरा आर्मर तक टूट चुका है देखो यहाँ पे। बट गाइस बहुत ज्यादा मजा आया यार इस वीडियो को बनाते हुए। गाइस अगर तुम लोगों को पसंद आई ये वीडियो और ऐसे ही ओपी ओपी आइडियाज पे और वीडियोस देखना चाहते हो, इस वीडियो पे पूरे 1.5 लाख लाइक कंप्लीट करो। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, अगली वीडियो के लिए भी बहुत तगड़ा आइडिया है मेरे पास। बाकी गाइस मैं मिलता आप लोगों से ऐसी दास नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ऑसम, बाय बाय।